नमस्कार, टारगेट बिथालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं संदीप तिवारी एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट बिथालोक पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आज हम लोग मैथ्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएँ आप दे रहे हैं, खासकर UPSI, उसमें आप जो है उसका भरपूर यूज कर सकते हैं। NTPC के अभ्यर्थी भी इस टॉपिक को अच्छी तरह से सीख करके जो है इस पे अपना रिस्पांस कर सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से क्लास आपकी जो है ओरिएंटेड है UPSI के लिए। हालांकि जब हम इस टॉपिक को सोचते हैं तो इसमें कई सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, मतलब इसके लिए किसी एक बेसिक टॉपिक को हमें पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आकर के हम लोग यहाँ पर इसका यूज कर पाते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको टॉपिक की शुरुआत से चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम जिस टॉपिक को लेने जा रहे हैं वह टॉपिक है आयु संबंध। आयु संबंध को अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आयु संबंध को लेकर के, तो यह खासकर जो टॉपिक होता है वह रेशियो का टॉपिक होता है, अनुपात का टॉपिक होता है। रेशियो को अगर हमें अच्छी तरह से, क्योंकि आप सब अच्छी तरह से गंभीरता से अगर कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस टॉपिक की गंभीरता समझ सकते होंगे। यह टॉपिक अर्थमेटिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, इससे रिलेटेड कई सारी चीजें होती हैं। कई सारे चैप्टर्स में इस रेशियो का यूज करके बड़े बड़े प्रश्नों को आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है, लेकिन उसमें भी एक ऐसा टॉपिक होता है जो भले रेशियो का है लेकिन उसको अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को आप लोग जो है किसी भी परीक्षा, चाहे वो एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे वो सिविल की परीक्षा हो, चाहे UP SSSC की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा को जब हम फोकस करते हैं या फेस करते हैं तो उसमें आप आयु से संबंधित प्रश्न जरूर देखते हैं। कहीं ना कहीं यह टॉपिक मैथ और रीजनिंग दोनों से रिलेटेड होता है। रीजनिंग के भी कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जहां पर आयु संबंध से आधारित प्रश्न आप फोकस करके देखते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक की गंभीरता काफी है। UP SSSC या उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा या केंद्र सरकार की कोई भी परीक्षा, चाहे वो आपकी जिस प्रकार की, चाहे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे SSC लेवल की परीक्षा हो, कहीं भी किसी परीक्षा में आयु संबंध की हम इंपॉर्टेंस को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस टॉपिक को हम बहुत ही गहनता से और गंभीरता से पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। चलिए टॉपिक पे हम बात करते हैं और इसी पे हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह टॉपिक रीजनिंग में भी पढ़ा जाता है, लेकिन रीजनिंग का जो सिस्टम है उसमें जैसे ब्लड रिलेशन है, आप वहां पर रीजनिंग में पढ़ते हैं, तो ब्लड रिलेशन में चीजें न्यूमेरिकल नहीं होती हैं, लॉजिकल होती हैं। मतलब एक दूसरे से संबंधों को हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ रिलेट कर समझते हैं, तो वहां पर एक दूसरे का संबंध ही बताना प्रायोरिटी होती है। बट जब हम इस टॉपिक को मैथ्स में पढ़ते हैं तो यहाँ पर नंबर बेस्ड हो जाते हैं, चीजों को काउंट करके हमें वैल्यू बतानी होती है। हालांकि जब रीजनिंग में पढ़ा जाता है तो वहां पर जो है आप कहीं एक प्रेजेंट लेबर रह करके, जैसे आप अपने वर्तमान पे रह करके अपने पिता और अपने दादा, और जबकि नीचे जाकर के अपने बेटे और अपने पोते से, मतलब 5 जनरेशन को फोकस किया जाता है। जबकि अगर हम इसी चीज को मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर 3 पहलू में इस चीज को पूरी तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1 से अधिक व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया होता है, किसी एक की आयु दी गई होती है, आयु का योग दिया गया होता है, और उस आधार पर हम चीजों को कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। हम वर्तमान में मान निकालने की कोशिश करते हैं, हम भविष्य में मान निकालने की कोशिश करते हैं, हम भूत में मान पता करने की कोशिश करते हैं। पूरा टॉपिक 3 लेवल पर डिपेंडेंट होगा। 3 लेवल में सबसे पहला लेवल आपका जो करंट लेवल होता है, जिसको हम लोग वर्तमान या प्रेजेंट कहते हैं, आप प्रेजेंट कहते हैं, ये आपकी वर्तमान सिचुएशन होती है जो सबसे खास होती है और सबसे वैल्यूएबल फैक्ट होता है। आप कुछ समय पहले की भी बात करते हैं, आप बिफोर की भी बात करते हैं। अगर आप कुछ बिफोर की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग यहाँ पर पहले, या आप भविष्य भूत की बात यहाँ पर कह सकते हैं, पास्ट कह सकते हैं आप इंग्लिश में, या आप जो है इंग्लिश में इसको हिंदी में पहले की बात कर सकते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर फ्यूचर या आफ्टर की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, बाद की बात करते हैं। और बाद का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मतलब कुछ सालों के बाद की उम्र को हम लोग यहाँ पर नोटिस करते हैं। जैसे अगर किसी की उम्र वर्तमान में कुछ है, मान लीजिए एक्स वर्ष है, तो यन वर्ष पहले उसकी उम्र x-n थी, और n वर्ष बाद उसकी उम्र x+n होगी। कहने का मतलब, अगर एक लड़का इस समय 15 साल का है, तो अगर हम 5 साल पहले उसकी उम्र ज्ञात करें तो उसकी उम्र 10 साल थी, और 5 साल बाद उसकी उम्र अगर हम नोटिस करेंगे तो उसकी उम्र 20 साल होगी। तो यह एक बेसिक जानकारी है। जैसे आप अपनी उम्र को यहां पर अगर रिलेट करेंगे आज के 2 साल पहले, तो आप 2 से घटा देते हैं। अगर 2 साल बाद की उम्र अपनी पता करना चाहते हैं तो आप उसमें 2 जोड़ देते हैं। एक जानकारी है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप सबको, हम सबको अच्छी तरह से पता होती है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम इस चैप्टर को पढ़ने जाते हैं और इसके प्रश्नों को हल करने जाते हैं, आज के सेशन में आपको 2 ही चीजें बताएंगे। पहले तो हम इसका बेसिक जानकारी आपको देंगे, जो कि आपको बड़े से बड़े प्रश्नों को, छोटे से छोटे प्रश्नों को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी, सारा अप्रोच आपको क्लियर होगा। दूसरी तरफ हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा से संबंधित भी हो सकते हैं, आए हुए प्रश्न भी हो सकते हैं, और साथ साथ
आपके अप्रोच को फाइनली कॉन्फिडेंट करने के लिए, आपके लेवल को कॉन्फिडेंट करने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इन्हीं दो पे हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मैंने जैसे वर्तमान की स्थिति को हम लोग यहाँ पर अगर हम यक्स से, या हम जनरली जो है ज्यादातर जब टेक्निकल मैनर पे इसको पढ़ते हैं तो कहते हैं हम इसको यक्स नॉट से डिनोट करते हैं, यक्स जीरो से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आप इसके लिए कोई ऐसा कोई टेक्निकल बात होती है जिसके थ्रू आप इसको जीरो से डिनोट करेंगे। जीरो का मतलब नो चेंज करंट सिचुएशन प्रेजेंट वैल्यू। अगर हम माइनस की बात करें, मतलब कुछ साल पहले की बात करें, जैसे हमने कहा प्रेजेंट को हम जीरो से डिनोट करते हैं, बिफोर को हम एक्स माइनस एन से डिनोट करते हैं। जैसे अगर पांच साल पहले किसी की उम्र, हम यहां पर अभी इसको करके दिखा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। बात की बात करेंगे तो एक्स प्लस से हम एन से डिनोट करेंगे। जैसे मैंने कहा 15 साल इस लड़के जिसका नाम ए था, अगर इसकी वर्तमान उम्र है तो ए जीरो, मतलब वर्तमान मान इसका ए जीरो दिया है। अगर हम इसकी 5 साल पहले की उम्र कहेंगे तो ए माइनस फाइव इसका 10 होगा, और अगर ए प्लस फाइव की बात हम करेंगे, मतलब 5 साल बाद की बात करेंगे तो 20 की बात करेंगे। मतलब 5 साल पहले वह लड़का 10 साल का रहा होगा और 5 साल बाद वह लड़का 20 साल का हो जाएगा। यह बात आपको जानकारी में सबसे पहले पता होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं जिनको लेकर चलने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कुछ बातें हमको समझनी पड़ेगी, समझ करके प्रश्नों के लेवल को समझना इंपॉर्टेंट होता है कि प्रश्न कैसे बनते हैं और किस प्रकार से हमसे कंफ्यूज करते हैं और हमसे कैसे उत्तर पूछते हैं। तो कुछ बातें मैं, जैसे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स मैं यहां पे डिस्कस आपसे करूंगा, उनको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जैसे एक कंफ्यूजन दिमाग में हमारे आता है कि जैसे मान लीजिए हम कभी भी कोई प्रश्न पढ़ते हैं और किसी की उम्र दी गई होती है तो हमसे कुछ साल पहले कहता है या कुछ साल बाद कहता है, तो कभी भी हम कुछ साल को किसी और साल पे नोटिस ना करके वर्तमान पे हमें नोटिस करना पड़ेगा। मतलब अगर कभी भी पहले और बाद की बात होती तो पहले और बाद हमेशा वर्तमान से काउंट किया जाता है। जैसे मैंने कभी एक प्रश्न के लिए आपसे कहा, एक फैक्ट्स पे ही हम इसको चीजों को यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि सभी कैलकुलेशन, सभी गणनाएं, ऑल कैलकुलेशन, मैं आपको सिंपल सा यहां पर एक वर्ड लिख देता हूं कि ऑल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू, बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू। मतलब जितने भी कैलकुलेशंस होंगे वो सब के सब वर्तमान मान पर आधारित होंगे, वर्तमान मान से केंद्रित होंगे। मतलब जो भी आपको आगे पीछे जाना है, जो भी आपको गणनाएं करनी है, वह सब की सब आपकी वर्तमान से करनी है। जैसे एक छोटा सा कंफ्यूजन का शब्द हमारे दिमाग में आता है, मैं एक एक पॉइंट्स को आपसे क्लियर करते जाऊंगा, उसके बाद फिर प्रश्नों का दायरा मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि अगर एक लड़का जिसकी उम्र 5 साल पहले अगर 15 साल थी, 5 साल पहले वह लड़का 15 साल था, मैंने आपसे अगर कहा कि 5 साल बाद वह लड़का कितनी उम्र का हो जाएगा, मैंने आपसे पूछा सिंपल सा कि 5 वर्ष बाद वह लड़का कितनी उम्र का हो जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अच्छे लेवल के होते हैं यहां पर कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि अगर 5 साल पहले 15 का था तो 5 साल बाद 20 का हो जाएगा, जबकि यह सोचना गलत है। क्योंकि जब आप 5 साल पहले भी थे तो आप किसी एक प्रेजेंट वैल्यू से थे, यहां से थे। इस वर्तमान से आप 5 साल पहले अगर 15 साल के थे तो इस वर्तमान से अगर मैं 5 साल बाद की बात करूंगा तो सबसे पहले मैं वर्तमान को नोटिस करूं तो वर्तमान तो आपका 20 है, वर्तमान 20 है। क्योंकि अगर आप अभी 20 के हैं तब तो 5 साल पहले 15 के थे, तो 5 साल बाद आपकी जो उम्र होगी वह आपकी 25 वर्ष हो जाएगी। तो यह बात को हमें नोटिस करना पड़ेगा कि जो भी कैलकुलेशन, कभी भी हम इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो कि हम 5 साल बाद आपसे पूछ रहे हैं तो पहले वाले में जोड़ देंगे तो बात पता चल जाएगा। वो बाद नहीं होगा, वो वर्तमान होगा। हाँ, उसका बाद होगा, जो पहले वाली स्थिति उसका बाद होगा, लेकिन जो बाद होगा वो एक्चुअली वर्तमान होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर पहले और बाद की स्थिति आती है तो पहले और बाद हमेशा और हमेशा वर्तमान से नोटिस किया जाता है। ये क्लियर है, दूसरी बात समझते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट यहां पर क्लियर करते हैं, कुछ उन्हीं फैक्ट्स में हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए और बी इनकी आयु का योग, दो व्यक्ति ए और बी हैं, अगर इनकी आयु का योग यहां पर अभी 30 वर्ष है, तो मैंने कहा पांच वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा, इनकी आयु का योग क्या होगा। तो आप ये समझ गए होंगे, जैसे 5 वर्ष आया तो एक दिमाग में फिर हमारे कंफ्यूजन आता है कि अगर अभी 30 वर्ष है तो 5 साल बाद 35 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि दोनों की आयु का योग 30 है, इसका मतलब दो व्यक्ति इन्वॉल्व हैं और दोनों में 5-5 जुड़ेगा, तो इसका मतलब यहां पर उम्र कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। जब 5 साल बाद हम जाएंगे तो दोनों की आयु जुड़ेगी 5-5, इसलिए 5 साल बाद उनकी आयु का योग 40 वर्ष हो जाएगा। यही पर मैं आपसे कहता कि अगर इनकी वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है तो 5 साल पहले
पांच वर्ष पहले अगर मैं आपसे कहता कि आप उम्र बताइए, इनकी आयु का योग बताइए, तो आप कहते सर पांच साल पहले इनकी आयु का योग 20 वर्ष रहा होगा। मतलब अगर दो व्यक्ति हैं तो आपको यह ध्यान रखना है जितना वर्ष है वह दोनों पर अप्लाइड होगा। यही चीज अगर तीन व्यक्ति होते तो तीन पर अप्लाइड होता। मान लीजिए तीन व्यक्ति होते ए बी और सी, और उस समय उनकी उम्र अगर 30 वर्ष अभी वर्तमान में जोड़कर दी गई होती तो आप तीन, मतलब अगर पांच साल बाद आप जाते तो आपकी इन तीनों की उम्र 45 वर्ष हो जाती, 5 × 3 जोड़ना पड़ता। वैसे ही पांच साल अगर पहले हम आते तो यहां पर 15 घटाना पड़ता हमको 30 में से, तो 15 हो जाता। तो कहने का अर्थ होता है कि जितने व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे अगर एज को हम आगे और पीछे ले जाएंगे तो उन सभी को केंद्रित करते हुए जाएगा। यह बात हमको समझकर चलनी है। यह दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा फैक्ट हो गया जिसको भी हमें दिमाग में रखकर चलना है। तीसरे फैक्ट की मैं बात करूं, तीसरा फैक्ट आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कभी भी अगर दो व्यक्ति हैं जब वो पैदा हुए तो दोनों, या हम कह दें कि अगर पैदा होने की स्थिति होती, जैसे कभी एक पैदा हो चुका है उसके कुछ दिन बाद दूसरा पैदा हुआ, मतलब अगर हम एक कह दें कि दो अगर लोगों की आयु का अंतर आपको पता हो, आयु का अंतर पता हो, जैसे आपसे जो इस समय जितना साल बड़ा है जीवन भर आपसे उतना ही बड़ा रहेगा, मतलब अगर आपसे जो कोई पांच साल बड़ा है वो लाइफ टाइम आपसे पांच साल बड़ा होगा, कभी पांच साल छोटा नहीं हो जाएगा, और जो आपसे जितना छोटा है वो लाइफ टाइम आपसे उतना छोटा रहेगा। इसका मतलब दो व्यक्तियों की आयु का अंतर जो होता है, अंतर हमेशा समान होता है। अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है। आयु का अंतर हमेशा समान होता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं, जैसे कह दिया जाता है कि अभी वर्तमान में दो व्यक्तियों की आयु का अंतर अगर मान लीजिए 40 साल है तो 5 साल बाद उनकी आयु का अंतर क्या होगा? हम कहेंगे भैया तब भी 40 ही होगा, क्योंकि अंतर में कोई फर्क नहीं आएगा, आयु का अंतर हमेशा और हमेशा सेम रहता है। इसमें भी आपको कंफ्यूज, जैसे मैंने योग पे आपसे पूछा योग दिया है और 5 साल बाद के योग में परिवर्तन होगा, 5 साल पहले के योग में परिवर्तन रहा होगा, चेंज रहा होगा, लेकिन 5 साल अगर अंतर दिया है, 5 साल पहले नहीं 50 साल पहले की बात हो, 50 साल बाद की बात हो, अंतर कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा छोटा और छोटा छोटा ही रहेगा, बड़ा बड़ा ही रहेगा। आपके पिता अभी जितने आपसे ज्यादा है उम्र के हैं, लाइफ टाइम आपसे उतनी ही ज्यादा उम्र के रहेंगे, कभी भी आपसे कम नहीं हो पाएंगे। यह बात आपको क्लियर? तो मैंने कहा अंतर हमेशा समान होता है, इसको आप फोकस करके चलिएगा। लेकिन जिस लिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अनुपात तुलना, वह आपकी बदलती रहती है। कैसे बदलती है? और देखिए कितनी कितनी इफिशियंसी के साथ बदलती है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा पैदा हुआ, अब आप समझने की कोशिश करना, एक बच्चा पैदा हुआ तो उसकी उम्र को हम 1 वर्ष मान रहे हैं, 0 से 1 साल की उम्र को हम 1 साल मान रहे हैं। उस समय मान लीजिए पिता की उम्र 30 वर्ष है, तो अभी मैंने देखा कि जो पिता है इस समय पुत्र का, ये सन था, ये फादर था, पिता इस समय पुत्र का 30 गुना है। आप देख रहे हैं पिता इस समय पुत्र का 30 गुना है। जब बेटा पैदा हुआ तो उस समय पिता 30 साल का अगर था तो बेटा इस समय पिता का 1/30 भाग है, या पिता पुत्र का 30 गुना है। मान लीजिए 10 साल बाद, आप ये 10 में जोड़कर 1/11 मत करिएगा, 0 में 10 जोड़कर अगर आप 10 वर्ष कह दीजिए 10 साल बाद, तो पिता इस समय 40 का हो जाएगा। 40 का अगर हो गया तो आपको क्लियर हो गया इस समय पिता देखिए 4 गुना रह गया, जो पिता एक समय 30 गुना था वह पिता इस समय 4 गुना हो गया। अब यही चीज अगर बेटा 20 साल का मान लीजिए हो गया तो पिता 50 साल का हो जाएगा, तो इस समय 5/2 गुना हो गया। ऐसे ही अगर पिता बेटा 30 साल का होगा तो पिता 60 साल का होगा, तो ऐसी स्थिति में बेटा पिता का आधा हो गया और पिता इस समय 2 गुना हो गया। इस पॉइंट से हमको ये समझ में आया कि जो गुना होता है, जो मतलब अनुपात होता है, वह आपका घटता चला जाता है, जनरली मतलब चेंज होता चला जाता है। मैंने कहा अंतर समान रहता है लेकिन अनुपात आपका कमजोर होता चला जाता है, या हम ऑलमोस्ट कहिए कि बदलता चला जाता है, अनुपात आपका सेम नहीं रहता है दो व्यक्तियों के बीच, क्योंकि आयु अलग अलग होती है, आयु आपके समय के साथ बढ़ती चली जा रही है, तो अनुपात भी आपका परिवर्तित होता चला जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अंतर हमेशा समान रहेगा, योग बढ़ता चला जाता है, अनुपात घटता चला जाता है। यह क्लियर होना है, इसको समझ कर चलना है। अब आपको हम प्रश्नों का सिस्टम बताते हैं कि प्रश्न कैसे बनेंगे और कैसे पूछे जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपसे एक छोटी सी बात हम आपको बताएं कि यहां पर जनरली जो क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस आपके कुछ ऐसे बनेंगे, आपको दो चीजें दी जाएंगी, आपको जो दो चीजें दी जाएंगी उसमें आपको आयु के बीच अनुपात दिया जाएगा, अनुपात दिया जाएगा और आयु दी जाएगी। ध्यान देना, अनुपात मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच दिया गया, उनकी आयु का अनुपात दिया गया,
हमें जो आयु दी जाएगी या तो सिंगल किसी एक की दी जाएगी या तो दोनों की दी जाएगी, दोनों की दी जाएगी मतलब योग दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम किसी एक की आयु को हमसे पूछेगा या दोनों की आयु का योग पूछेगा या दोनों की आयु का अंतर पूछेगा। लेकिन यह प्रक्रिया जो अनुपात की और इस आयु की है, अगर वो सेम लेवल पर है, सेम का मतलब या तो वर्तमान में है या तो पहले है या तो बाद में है, तो आपके लिए बड़ा ही इजी टास्क है। जैसे जहां पर अनुपात हो वहीं पर भी अगर मान दिया है तो उस समय हमें तुलना करने में और काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब वहीं पर अनुपात है, आपसे कहा जा रहा है इस समय दो व्यक्ति हैं जिनकी आयु का अनुपात 2:5 है, एक की आयु अगर 10 साल है पहले की तो दूसरे की उम्र क्या होगी, आप तुरंत बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो पहले प्रश्न का सिस्टम रहेगा, लेबल रहेगा, वो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि वही अनुपात होगा और वहीं पर मान होगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति में किसी एक की उम्र पूछ सकता है, दोनों का योग पूछ सकता है, दोनों की योग का अंतर पूछ सकता है। लेकिन दूसरी स्थिति भी ऐसी हो सकती है कि अनुपात कहीं रहेगा, अनुपात और जो आयु है वह दोनों आपके डिफरेंट लेवल पर रहेंगे, डिफरेंट लेवल पर रहेंगे। डिफरेंट लेवल का मतलब आप समझ गए होंगे, डिफरेंट लेवल का मतलब हो गया कि जैसे कहीं अनुपात होगा और कहीं मान होगा। हो सकता है अनुपात वर्तमान में दिया गया है, आयु आपको 5 साल पहले की दी गई हो, आपकी आयु अनुपात आपका 5 साल बाद का दिया हो, आयु आपकी वर्तमान में दी गई हो। तो ऐसी स्थिति में दोनों को तुलना करके वैल्यू निकालने के लिए दोनों का लेबल सेम करना पड़ेगा। लेबल सेम करने का मतलब यह होता है कि या तो अनुपात को आप आयु की तरफ ले जाइए या तो आयु को अनुपात की तरफ ले जाइए। तो हम आपको यह सजेस्ट करेंगे कभी भी अनुपात को लेकर मत टहलिएगा, आप आयु को लेकर टहलिए, क्योंकि आयु में जोड़ना घटाना आपके लिए आसान है। आप किसी की उम्र 5 साल पहले की है तो उसको वर्तमान में लाने के लिए 5 केवल जोड़ना पड़ेगा, 5 साल बाद की है तो वर्तमान में लाने के लिए 5 साल घटाना पड़ेगा, तो आपके लिए इजी टास्क है। लेकिन यही क्रम में जब अनुपात लेके आप टहलेंगे तो आप फंस जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अनुपात लेके मत टहलिएगा। तो प्रश्न का 2 तरीका बना, आपको दिया क्या जाएगा अभी थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। दिया 2 तरह से प्रश्न दिया जाएगा, एक ही लेवल पर अनुपात और मान दिए जाएंगे, अलग अलग लेवल पर अनुपात और मान दिए जाएंगे। तो आपको प्रयास ये करना है कि लेवल दोनों का सेम करना है। जैसे ही आप लेवल सेम कर लिए प्रश्न बड़ा आसान हो गया। अब इसको करने का तरीका आप लोगों को सीखना है और समझना है। जैसे मैं एक एक छोटा छोटा एग्जाम्पल इन दोनों के लिए यहां पर डिस्कस करता हूं, आपको सारी बातें अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने आपसे कहा अगर कि अभी 2 व्यक्ति हैं ए और बी, 2 व्यक्ति ए और बी हैं, इनकी जो आयु का अनुपात है ए अनुपात बी, अगर मान लीजिए 2:3 दिया गया है, 2:3 दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 दिया गया है, हमसे कहा जाए कि दोनों की आयु का योग, आयु का योग वर्तमान में ही, ध्यान रखना कि ये जो अनुपात है वो वर्तमान का है। और जनरली जब आपको कोई बात नहीं कहेगा कि आगे या पीछे या पहले या बाद की, तो आप वर्तमान ही कंसिडर करके चलिए। आपको आयु का अनुपात दिया है और आयु का योग इसने हमसे अगर कह दिया यहां पर 35 वर्ष है, दोनों की आयु का योग 35 वर्ष है, हमसे इस समय ए की उम्र पूछ सकता है और बी की उम्र पूछ सकता है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपको दिया गया सिस्टम है, क्या दिया गया बताइए, वहीं पर वर्तमान आयु का अनुपात दिया है और वहीं पर आयु का योग दिया है। आप दोनों को, क्योंकि यहां पर योग है इसको भी योग बनाइए, मतलब अनुपाती योग बनाइए। अनुपाती योग बनाएंगे तो अनुपाती योग 5 होगा, जो कि करेक्ट योग 35 के बराबर होगा या समतुल्य होगा। जैसे ही 5 35 के समतुल्य होगा तो 1 का मान आपका तुरंत 7 होगा। अब जिसकी उम्र ज्ञात करनी, मान लीजिए ए की करनी है, ए मतलब यहां पर जिसका अनुपाती मान 2 था, तो 2 बराबर आपको क्लियर हो जाएगा 14, जो ए की उम्र हो गई। और बी की उम्र अगर हमको ज्ञात करनी है तो हम 3 का मान निकालेंगे तो 3 बराबर हो जाएगा 21, तो 14 और 21 दोनों की अलग अलग उम्र हो जाएगी। यह आपका पहला सिस्टम हो जो सबसे आसानतम तरीका होता है और आसानतम टाइप का प्रश्न होता है, जिसमें आप वहीं पर रहते हैं और वहीं पे अनुपात और मान दिया रहता है, आसानी से आप प्रश्नों को पढ़ते हैं और उत्तर दे लेते हैं। लेकिन जब प्रश्न आपके कुछ इस प्रकार के पूछे जाएंगे कि आपको, जैसे मैं आपको एक प्रश्न लेता हूं तो वहीं पे चीजें आपको क्लियर कर दूं। जैसे आपसे कहा जाए कि अभी वर्तमान में जो आयु का अनुपात है, वर्तमान में 2 व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी आयु का अनुपात अगर 2:3 है, 2:3 है, हमसे कहा गया 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले अगर ए की उम्र, मान लीजिए ए की उम्र 30 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले ए की उम्र 30 वर्ष थी, तो हमसे पूछा गया वर्तमान में
कुछ भी पूछा जा सकता है, वर्तमान में बी की आयु क्या होगी, बी की आयु क्या होगी। आपसे बी की पूछ सकता है, ए की पूछ सकता है, किसी की भी पूछ सकता है। अब ध्यान देने की बात है, जो अनुपात दिया गया कहां पर है बताइए, वर्तमान में। जबकि उम्र कहां दी गई ए की, 5 साल पहले दी गई है, 5 साल पहले दी गई है। और अगर 5 साल पहले इसको 30 की बजाय हम यहां पर सिंपल थोड़ा करने के लिए इसको 25 बना लें, या हम इसको जो है 35 ही बना लेते हैं। चलिए, हमने कहा 35 थी 5 साल पहले। अब आपके सामने तरीका है कि या तो अनुपात को यहां लेकर आइए, अनुपात को यहां लेकर आइए। जैसे मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो कुछ यहीं पर आप समझने की कोशिश करिएगा। वर्तमान में आपको अनुपात दिया है, 5 साल पहले आपकी उम्र है, तो आपको अनुपात यहां पर लाने में प्रॉब्लम होगी। ऐसी स्थिति में आप इस उम्र को ही यहां लेकर जाइए, उम्र को ही वर्तमान में लेकर जाइए। जब 5 साल पहले किसी की उम्र मान लीजिए 35 थी, 5 साल पहले उसकी उम्र 35 थी, तो बताइए अभी करंट में उसकी उम्र कितनी हो जाएगी। 5 साल पहले अगर किसी की उम्र 35 थी तो अभी उसकी उम्र कितनी हो जाएगी बताइए, ए की उम्र इस समय 40 वर्ष हो जाएगी। अगर ए की उम्र अब 40, देखिए अब यहां पर समझने की कोशिश करिए, अगर वर्तमान में हमारे पास अनुपात है तो वर्तमान में ही तो मान भी हो गया ना, तो ए की तुलना आप डायरेक्ट यहां पर कर सकते हैं, दो का मान आप 40 बता सकते हैं। अगर दो का मान 40 तो एक का मान 20 हो गया, और बी की उम्र हमसे पूछा है जो कि 3 है, तो 3 का मान यहां पर 60 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु 60 हो जाएगी। आपको बस यही प्रयास करना है कि आपको शब्दों को सही तरह से रीड करना है और अनुपात और मान को आपस में कोरिलेट करना है, एक दूसरे के पास लेके चलना है। इसलिए लेबल समान जैसे ही करेंगे प्रश्न आपका इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। कुछ प्रश्नों से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और वहीं से चल करके आपको चीजों के बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रश्न से आपकी स्टार्टिंग करता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना। बताया गया इस प्रश्न में देखिए, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान सिचुएशन है, ध्यान देना, थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे यहां पर, इसके बाद हम आपको धीरे धीरे जल्दी से कराने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में जो हमारे पास अनुपात है वो 3:4 है। वर्तमान में दो व्यक्ति थे हमारे पास, ए और बी, ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि ए की वर्तमान उम्र, यहां पर ए की जो करंट एज है वह आपकी कितनी दी गई है, 21 वर्ष है। ए की उम्र 21 वर्ष है, हमसे बी की वर्तमान उम्र पूछा है, तो इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता है। आपको वहीं पर अनुपात दिया है और वहीं पर उसका मान भी दिया है, किसका, भले ही एक का दिया लेकिन दिया तो है ना। तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत कह सकते हैं, आप तुलनात्मक बे में आप कहेंगे कि जो 3 का मान है, मतलब ए की उम्र का अनुपातिक मान 3 है, जबकि करंट मान उसका जो है 21 है, तो 3 का मान आप 21 की तुलना में कर दीजिए। जैसे 3:21 हुआ तो तुरंत ही आपसे पूछा बी की उम्र है, तो 4 का मान हमको ज्ञात करना, तो 1 का मान अगर हम ज्ञात करेंगे 7, तो 4 का मान हमारे पास तुरंत कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। तो बी की उम्र हो गई 28 वर्ष, बी की करंट एज 28 साल हो जाएगी। चलिए हम सेशन को और कंटिन्यू करते हैं और प्रश्नों पर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से बता दूं, जैसे यूपीएसआई का जो यहां पर बैचेस आपकी चल रही हैं, उस यूपीएसआई की बैचेस में बहुत सारे अभ्यर्थी अध्ययन कर रहे हैं और आप लोग जानते हैं, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, देख भी रहे होंगे आप लोग, तमाम सारे लोग इसमें पढ़ रहे हैं। 15 से 20 क्लासेस लगभग हर विषय की हुई है, फिर भी अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि हमको बैचेस में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो सही माध्यम से चीजों को इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो हमसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, भले ही हमारी पेड बैचेस में नहीं, लेकिन किसी मैनर से हमसे जुड़े हुए हैं। तो हम लोग का भी एक नैतिक कर्तव्य होता है कि उनके साथ उनको रिस्पॉन्स करें और उनको बताएं कि आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो। तो जुड़ने के लिए एक प्रक्रिया है जो बार बार लगातार आपको बताई जाती है चैनल के थ्रू, और उसमें आपको जो है एक नंबर दिया जाता है, मैं आपको उस नंबर को रिपीट करूंगा, जिससे कि आप अगर जैसे किसी भी मैनर में हमारे संस्थान के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्रश्न पर आने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं आपसे कि हमारे यहाँ एक आपको जो है यूपीएसआई का नंबर दिया जाता है, जिसका व्हाट्सएप नंबर होता है, जनरली आप अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर जाइएगा और इस नंबर को सेव करिएगा, 7398035775। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, 7398035775। आप इसको रीड करिए और इसको लिखिए अपनी फोन में, इसको सेव करिए, सेव करके इस पे व्हाट्सएप पे जाएंगे तो हमारी प्रोफाइल दिखेगी, उस पे आपको केवल यूपीएसआई एंट्री करना है, तो यहाँ की जो काउंसलर्स हैं वो आपसे खुद ही जो है आपसे संपर्क करेंगी और आपको रिस्पॉन्स करेंगी। इतनी सूचना आपको देनी थी संस्थान के माध्यम से। तो चलिए इस सूचना के साथ हम प्रश्नों को फिर स्टार्ट करते हैं जिस प्रश्न पे हम थे, और वहां से चल करके हम आयु संबंधित और प्रश्नों को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपके
इस टॉपिक को हम बेहतर तरीके से आपको समझा सके। चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं, जिस प्रश्न में आपको दिया है ए तथा बी की आयु का अनुपात। अब जैसे हमसे कह रहा है आयु का अनुपात, तो इस बात को हम केवल वर्तमान समझेंगे। आयु का अनुपात मतलब वर्तमान समझेंगे। यदि दोनों की आयु का योग दिया है इस समय 36 वर्ष, तो बी की आयु हमसे पूछा है, मतलब सारी बातें हमसे वर्तमान पर कर रहा है। तो वर्तमान की सिचुएशन हमको दिया है और उस समय वर्तमान में दो व्यक्ति हैं हमारे सामने ए और बी, जिनका जो अनुपातिक रिलेशंस है वो अनुपातिक रिलेशंस आप देख रहे हैं 4:5 का है, जबकि दोनों की आयु का योग इसी लेवल पर, मतलब लेवल हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ए प्लस बी का जो इसी लेवल पर मान है वो आपको दिया गया साफ साफ 36 वर्ष। ऐसे स्थिति में चाहे हमसे ए की उम्र पूछा हो, चाहे बी की उम्र पूछा हो, चाहे इन दोनों की उम्र आगे पूछे या पीछे पूछे, कहीं के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार होते हैं ऐसे प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देने की। आप लोग कमेंट करके उत्तर बता भी सकते हैं। तो आप जब देखेंगे तो 4 और 5 यहां पर जो अनुपातिक रूप से हैं जुड़ करके 9 होंगे, और इस 9 की तुलना इनके योग से की जाए, क्योंकि यहां पर योग दिया है इसलिए अनुपातों को जोड़ दिया जा रहा है। जैसे पिछले में योग नहीं था, केवल एक सिंगल मान था, इसलिए अनुपातों को जोड़ा नहीं गया था। तो 9 का मान यहां पर 36 होगा, तो 1 का मान यहां पर 4 होगा। अब किसी का भी मान अगर जैसे बी की उम्र हमको ज्ञात करनी है, तो बी का अनुपातिक मान 5 है, तो 5 का मान हम तुरंत कितना बताएंगे, 20 बताएंगे। जब एक समान का दाम 4 है तो 5 का मान ऑटोमेटिकली 20 हो जाएगा। तो आप इसको थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, और तीसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 20 वर्ष होगा। मेरे ख्याल से यह बात भी आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्नों का लेवल थोड़ा थोड़ा चीजें चेंज होती चली जाएंगी और आपको बातें अब समझ में आएंगी धीरे धीरे। हमने कहा मां और बेटे की वर्तमान, अब जैसे इसने केवल अनुपात दिया है, तो अनुपात का मतलब हमसे वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान में हमसे मां और बेटी की आयु का अनुपात क्या दिया, देखिए ए मदर है एंड सन, जो इनके एज का रिलेशन है वह कितना है, 7:3 का है। मतलब मां और बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है। उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग यहां पर देखिएगा उसी लेवल पर, लेवल हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं, मदर एंड सन, इस समय योग कितना है बताइए, 60 वर्ष है। जैसे ही योग हम देख रहे हैं 60 वर्ष, तो तुरंत ही हमारी तुलना का जो सिस्टम होगा दोनों के अनुपातिक योग का होगा। अनुपातिक योग आप जोड़ेंगे तो 10 होगा, जो समतुल्य हो जाएगा 60 के। 10 किसके समतुल्य हो जाएगा, 60 के। जहां भी सिंगल दिया जाएगा हम सिंगल से बात करेंगे, जहां पर कंबाइंड दिया जाएगा वहां पर अनुपातों को जोड़कर हम उसके समतुल्य जाएंगे। तो 10 का मान 60 जैसे हुआ। अब जैसे इसने हमसे आयु में अंतर पूछा है, आप अनुपातों में अंतर देख लीजिए कितने का है, 4 का। तो हमारा जो टास्क है हमको 4 का मान ज्ञात करना है, ना कि हमें मदर की एज ज्ञात करनी है, ना तो हमें सन की एज ज्ञात करनी है, हमें दोनों के आयु का डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस अनुपातों से भी ज्ञात किया जा सकता है। जब आप 10 का मान 60 देख रहे हैं तो 1 का मान ऑटोमेटिकली 6 होगा, और यही तो अंतर है ना, अंतर 4 बराबर आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 24। तो 24 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोनों की आयु का जो डिफरेंस होगा वह 24 साल हो जाएगा। मां और बेटे की आयु का अंतर 24 साल होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को, आप लोग क्लियर करके चीजों को चलिए तो आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आनी। जैसे आप ध्यान दीजिए एक बार फिर से कि अनुपात 7:3 दिया था, योग दोनों का 60 दिया था, तो अनुपातिक योग से दोनों की तुलना की जा सकती है। क्योंकि अंतर पूछा है तो आपको अनुपातों के बीच अंतर को नोटिस करना होगा, और उस अंतर को हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे तुलनात्मक वे में, तो आपको दोनों की आयु का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, 24 साल इन दोनों की आयु का अंतर आ जाएगा। अब ऐसे ऐसे प्रश्न आप देखिए धीरे धीरे जाते जाएंगे तो चीजें आपकी बढ़ती चली जाएंगी, बदलती चली जाएंगी। जैसे आपको जो अगला प्रश्न दिया गया, ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू की आयु का अनुपात, जाहिर सी बात फिर से वर्तमान की बात कर रहा है, तो वर्तमान में हमसे दो व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात दर्शाया गया है, दिया गया, जो कि 4:5 है। उनकी आयु का योग यदि 81 वर्ष है, अभी देखिए दोनों की आयु का योग 81 वर्ष है अगर मान लीजिए इस समय, तो आप लोग कमेंट करके उत्तर बता सकते हैं हमें, क्योंकि देखिए अनुपात दिया है और उसी लेवल पर हमको योग दिया है, तो जाहिर सी बात है इस समय भी अनुपातों की योग को हम नोटिस करेंगे और इसी को हम समतुल्य करेंगे पूरे इस मान के साथ जो हमारे पास योग है। तो 9 को हम 81 के समतुल्य में या तुलना में लाएंगे तो 1 का मान ऑटोमेटिकली आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि हमको 9 साल बाद उम्र ज्ञात करनी है, लेकिन किसकी ज्ञात करनी है, पी की ज्ञात, क्यू की ज्ञात करनी है। तो पहले करंट में बताइए क्यू की उम्र क्या है, करंट में क्यू की उम्र ज्ञात करना है तो आपको 5 के पास जाना पड़ेगा। तो 5 का मान अगर निकालेंगे तो 5 × 9 45 हो जाएगा, क्योंकि 9 साल बाद मुझे पता करना है,
तो 9 इसमें जुड़ेगा तो 45 9 54 वर्ष हो जाएगा। आप समझ गए, करंट में एज इसकी 45 है किसकी, क्योंकि तो 9 साल बाद अगर उसकी उम्र हमको फाइंड करना है तो 9 साल बाद इसकी उम्र 54 साल जो कि थर्ड ऑप्शन है ऑटोमेटिकली हम लोग यहां पर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यही प्रश्न का वेरिएशन है कि आपको करंट से चीजें निकलवाएगा, आगे पीछे आपको जो है मान को ज्ञात करना होगा। आप धीरे धीरे चीजों को जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको चीजें यहां पर ऐसे ही वेरिएशंस में बनती चली जाएंगी। मैंने कहा करंट का रेशियो दिया था, वहीं पर योग दिया था, मैंने अनुपातिक योग किया, इसकी तुलना की, मान करंट का मैंने निकाल दिया, लेकिन हमसे करंट का मान तो नहीं पूछा है ना, हमसे तो 9 साल बाद का मान पूछा है, तो 9 साल का बाद ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा बताइए, 54 साल हो जाएगा, जो कि यहां पर क्योंकि 9 साल बाद की उम्र हो जाएगी, यही आपके इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पर आते हैं, और जैसे ही अगले प्रश्न पर हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे चीजें और आपको बदलती दिखेंगी। जैसे देखिए क्या दिया इसमें, आपको कहा ए और बी की वर्तमान आयु का योग, करंट एज का जो योग है वो आपका 110 है। वर्तमान में अगर मेरे पास दो व्यक्ति थे ए और बी, तो उनकी आयु का योग मुझे पता था जो कि 110 था। अभी मैंने कुछ नहीं प्रश्न पढ़ा है, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश करी। 20 वर्ष पहले, देखिए यहां पर इसने पहले को नोटिस कराया, 20 वर्ष पहले की बात है, तो 20 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात हमको ज्ञात था। 20 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 दिया गया था। ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था, तो वर्तमान में ए की उम्र हमसे पूछा है, करंट में ए की एज हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया इस प्रश्न के माध्यम से। अब आप समझने की कोशिश करना, अब देखिए कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि हम क्या करें, अनुपात को लेकर आए जो टफ है, मैंने आपको पहले से इंडिकेट किया कि आप अनुपात को लेकर मत टहलिए, आप मान को लेकर टहलिए ज्यादा आसान है, लेकिन मान को भी जब लेकर जाएंगे तो नोटिस ये करना पड़ेगा कि व्यक्ति एक नहीं है, दो है। अगर एक होता तो केवल उम्र उतनी ही घटती, लेकिन व्यक्ति दो है, और 20 साल पहले हमको जाना है, तो 20 साल जाने के लिए अगर दो व्यक्ति जाएंगे तो ए और बी की जो एज का योग होगा, योग होगा, वो आपको क्लियर हो गया कि ए प्लस बी में हमें यहां पर 40 घटाना पड़ेगा। क्यों 40 घटाना पड़ेगा बताइए, क्योंकि 20 साल पहले अगर ए में भी 20 घटेगा और बी में भी 20 घटेगा, तो इनमें से अगर 40 घटेगा तो इसकी उम्र दोनों की क्या हो जाएगी, 70 साल हो जाएगी। यह आपको पहले से भी हमने बता रखा है कि जब हम दो लोग रहते हैं और आगे जाएंगे तो दोनों में चीजें जुड़ती हैं, इसलिए दो गुड़े चीजें एडअप होती हैं, और पीछे जाएंगे तो दो गुड़े चीजें सब्ट्रैक्टेड होती घटती हैं। अगर 110 साल उम्र थी, दोनों का योग था 20 साल पहले, तो 20 साल पहले दोनों की आयु का योग 70 साल रहा होगा। क्यों, क्योंकि 20 पहले में भी घटेगा, 20 दूसरे में भी घटेगा, तो कुल मिला के 40 घटेगा, तो 70 उम्र रही होगी। 70 उम्र थी कब, 20 साल पहले। मुझे 20 साल पहले की सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई, मुझे जिसको फाइन करना, जैसे ए की उम्र ज्ञात करनी है, तो हम 20 साल पहले ए की उम्र निकालने की कोशिश करेंगे, हम सारा काम 20 साल पहले करेंगे, बाद में लाने के लिए 20 में जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे आपको योग पता है तो आप 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 को समतुल्य करेंगे 70 से, और आपको उम्र निकालनी किसकी है बताइए, एक ही निकालनी है, तो 4 का मान, जब 7 का मान 70 है तो 1 का मान ऑटोमेटिकली 10 है, और 4 का मान मतलब ए की उम्र आपको क्लियर हो गई 40 है। ए की उम्र 20 साल पहले 40 थी, 20 साल पहले ए की उम्र 40 थी, तो वर्तमान में ए की उम्र आप समझ गए होंगे कितनी होगी, जब आपकी उम्र 20 साल पहले अगर 40 थी तो करंट में इसकी एज ए की कितनी होगी बताइए, 60 वर्ष की होगी, जो कि पहला ही ऑप्शन आपको दिया गया है। ए की उम्र, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ खास नहीं, चीजों को बस केवल सही तरीके से सही क्रम में रखने को है। उम्र 20 साल पहले 110 थी दोनों की, तो जाहिर सी बात है अनुपात हमको कहां पर दिया है, वर्तमान उस समय दिया था, और वहीं पर हमको यहां पर वर्तमान में हमको 110 दिया था, तो हम अनुपात को टहलाने की बजाय, मैंने आपसे पहले भी कहा था मान को टहलाइएगा, तो आपने मान को टहलाने के लिए जो मैंने क्रम बताया था उस क्रम के हिसाब से अगर दोनों में 20-20 घटा तो 40 घट करके दोनों की आयु का योग 20 साल पहले 70 हो गया। वहां पर जब पहुंची गए हैं वहीं पर अनुपात है, वहीं पर मान है, तो तुलना करके हम उस समय ए की उम्र निकाल दें। क्यों, क्योंकि मुझे ए ही तो पता करना है। ए की उम्र हमने निकाल दिया, 20 साल पहले 40 थी, तो वर्तमान में 20 जुड़ेगा तो 60 हो जाएगी, ए की उम्र इस समय वर्तमान में 60 वर्ष मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एक प्रश्न और इसी पर नोटिस करते हैं, कैसे क्या करना था इसमें ध्यान दीजिएगा।
ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। वर्तमान में अगर हम ए और बी को नोटिस कर रहे हैं तो इनकी जो आयु का अनुपात है वह आपका 5:3 है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, देखिए ध्यान से यहां पर जाना है 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद आयु का योग ए और बी का बताइए कितना हो जा रहा है, 58 वर्ष हो जा रहा है, 58 वर्ष हो जा रहा है। हमसे ए की वर्तमान उम्र पूछा है, तो प्रश्न तो बड़ा आसान बना दिया, बस समझने की बात है, समझने का कॉन्सेप्ट है। मैंने देखा कि वर्तमान में अनुपात है और भविष्य में मान है, तो आप अनुपात को मान की तरफ मत लाइए, और अच्छा है कि वहीं पर हमको मान भी ज्ञात करना है। आप इस सम को आप 5 साल पहले ले जाइए, 5 साल पहले आप जब पहुंचेंगे तो ए और बी की उम्र मतलब आयु का योग जब यहां पर 58 है तो 5 साल पहले दोनों की आयु का योग क्या रहा होगा बताइए, 48 साल रहा होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 5 पहले में भी घटेगा और 5 दूसरे में भी घटेगा, इस क्रम में 48 साल उम्र हो जाएगी। अब बताइए, अब यहां पर यही वर्तमान में हमको अनुपात भी पता है और यही वर्तमान में हमको मान भी पता है, योग भी पता है, तो आप तुरंत समतुल्य करिए, 8 = 48 कर दीजिए। जब 8 = 48 हुआ तो 1 तो 6 हो गया, और उम्र निकालनी किसकी, ए की, ए मतलब 5, तो 5 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 30 वर्ष, और 30 वर्ष ही पहला ऑप्शन है और ए की उम्र यहां पर 30 वर्ष हो गई है बिना किसी डाउट बिना किसी कंफ्यूजन। हमसे वर्तमान की पूछा भी था तो हमें कोई समस्या नहीं है इस प्रकार के प्रश्नों को देखने में करने में, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए, जैसे इस प्रकार के प्रश्न भी मैंने डिस्कस नहीं किया था लेकिन आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मैंने आपसे लेकिन इस बात को जरूर कहा था कि अनुपात बदलता रहता है समय समय के साथ, समय बदला अनुपात भी चेंज हुआ, वही सिक्वेंस यहां पर लेकर के प्रश्न बनाया गया है। अमर और अंजलि, अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा, अमर की वर्तमान आयु क्या होगी मुझसे पूछा गया। मैं आपको समझाता हूं, देखिए इसको करने का जो तरीका होता है, हम लोग इसको जब बचपन में करते थे, वर्तमान में अनुपात 2:3 दिया है, वर्तमान में अनुपात 2:3 दिया है, जबकि कह रहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यह अनुपात कह रहा 3:4 हो जाएगा। एक तरीके से हम लोग किया करते थे, मैं उसको आपके सामने एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन उस तरह से हम कराएंगे नहीं। क्या करते थे पता है, यहां पर अनुपात से मान निकाल दिया जाता था कि अमर, अमर की उम्र यहां 2x मान दी जाती और अंजलि, अंजलि की उम्र यहां पर 3x मानी जाती, और इस 2x में, 2x में अगर हम 3 जोड़ते, इसमें भी 3 जोड़ते तो दोनों बराबर हो जाते 3:4 के, मतलब एक समीकरण बनता कि 2x + 3 / 3x + 3 = 3/4। यहां से यक्स का मान ज्ञात होता और यक्स के मान से अमर और अंजलि की वर्तमान उम्र ज्ञात कर लेते, जिसकी भी मन करता जहां मन करता हम ज्ञात कर लेते। लेकिन एक टॉपिक आपको इस तरह से करने में काफी टाइम टेकन होगा, मैं इसको एक सिंपल तरीके से आपको बताता हूं, आप लोग समझिएगा, बस समझ करके अपनी चीज को रिस्पॉन्स करिएगा। देखिए कैसे करना है, आपको ध्यान देने की कोशिश करिएगा, इस तरह से बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो समय ले जाएगा। आपको बस इतना ध्यान देना है कि वर्तमान में अमर और अंजलि की आयु का अनुपात 2:3 है, 3 वर्ष बाद हमको इनकी उम्र पता करनी है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे हम यहां पर नोटिस करेंगे कि यह गैप कितने का है, यह गैप आप देख लीजिए कितने का है बताइए, 3 का है, यह गैप 3 का है, मतलब 3 साल का डिफरेंस है। अनुपात में डिफरेंस कितने का है, जैसे हमें किसकी उम्र ज्ञात करनी, अमर की, तो पहला व्यक्ति अमर था और दूसरा अंजलि थी, आप लोग एक बार समझेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। अनुपात में डिफरेंस बताइए 1 का है, 3/1 कर दीजिए, गुड़े किसकी उम्र ज्ञात करनी, अमर की, और कब करनी है, वर्तमान में, तो गुड़े 2 कर दीजिए, तो अमर की उम्र 6 वर्ष हो गई, अमर की उम्र कितनी हो गई 6 वर्ष, जो कि पहला ऑप्शन होगा। कैसे किया फिर बताता हूं, जब आपको यह सिस्टम यह प्रक्रिया दिखे तो आप देखिए, जैसे हमसे कहा वर्तमान में दोनों की आयु का अनुपात 2:3 है, 3 साल बाद यह अनुपात अगर 3:4 होगा, तो हमसे अमर की वर्तमान उम्र पूछा है या अंजलि की पूछ ले या कभी बाद की पूछ ले कोई समस्या नहीं, वर्तमान पूछा अमर की उम्र, कैसे करेंगे, मैंने कहा डिफरेंस देखिए एज का, वर्तमान से 3 साल बाद मतलब 3 साल का गैप है, अनुपात का डिफरेंस बताइए 1 साल का है,
तीन बटा एक कर दीजिए, गुड़े दो करिए, क्योंकि अमर की उम्र हमसे यहां पर वर्तमान में पूछा है, तो वर्तमान की उम्र निकालने के लिए हमने डिफरेंस एज का देखा, रेशियो का देखा, गुड़े जिस वैल्यू को फाइन करना है उसके समतुल्य करने के लिए उसका गुड़ा हम उसमें कर देंगे, छह वर्ष यहां पर अमर की उम्र हो जाएगी, कब? वर्तमान की। अंजलि की पूछा होता तो तीन से गुड़ा कर देते, नौ वर्ष हो जाती। बाद में पूछा होता तो फिर तीन से इसमें करते, चार से इसमें करते, तो इनसे आंसर फाइंड हो जाता। तो यह बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई तो इसी पे एक प्रश्न है उसको भी करिए तो और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए। देखिए अगला प्रश्न है, इसी पे आधारित है, आप लोग जैसे इसको पढ़ेंगे तो यहां से बातें और समझ में आएगी। छह साल पहले, देखिए ध्यान से, यहां वर्तमान नहीं दिया है कोई चीज, हमसे छह साल पहले की बात कर रहा है। छह साल पहले नाम क्या है बताइए? कमल, कमल है और सुरेश, सुरेश। इनकी आयु का जो अनुपात है वह 6:5 था। 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 6:5 था। हमसे कह रहे हैं 4 साल बाद, अब यहां ध्यान देना है, 4 साल हमसे बाद की बात किया जा रहा है, या तो पहले था, हमसे वर्तमान में मान नहीं दिया गया, 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा, 10 था, 11:10 हो जाएगा। हमसे पूछा सुरेश की वर्तमान उम्र, तो सुरेश की वर्तमान उम्र ज्ञात अगर मुझे करना है तो चाहे 4 साल पहले की उम्र मुझे पता चल जाए, चाहे सॉरी 6 साल पहले की उम्र पता चल जाए, या 4 साल बाद की उम्र पता कहीं भी चल जाए, हम मान तो निकाल देंगे। प्रक्रिया वही है जैसे मैंने अभी कराया। सबसे पहले जैसे हमें सुरेश की उम्र ज्ञात करनी है, पहले आप एज का डिफरेंस देखिए। देखिए अब वर्तमान था 6 ऊपर 4 नीचे, एज का डिफरेंस 10 साल हो गया। वर्तमान को अगर हम वर्तमान से 6 ऊपर हैं, पहले हैं, 4 नीचे हैं, 4 बाद में हैं, तो एज का डिफरेंस 10 का हो गया। अनुपात का डिफरेंस बताइए 5 का है, साफ साफ दिख रहा है, अनुपात का डिफरेंस 5 का है, गुड़े सुरेश की उम्र 6 साल पहले निकाल दीजिए, 5 से गुड़ा करिए, तो सुरेश की उम्र 6 साल पहले कितनी थी? 10 वर्ष थी। सुरेश की उम्र 6 साल पहले 10 वर्ष थी, हमको निकालना है वर्तमान की उम्र, तो वर्तमान की उम्र ज्ञात करने के लिए बताइए जब 6 साल पहले कोई लड़का 10 साल का था, इस समय कितना होगी? 16 वर्ष। इस समय उसकी उम्र क्या हो जाएगी? 16 वर्ष, जो कि सेकंड थर्ड ऑप्शन आपके सामने सही उत्तर होगा। कैसे किया मैं फिर से बता दूं, आपको क्या करना था, आपको सबसे पहले एज का डिफरेंस देखना था जो 10 साल निकल कर आ रहा, ये भी समझना बहुत जरूरी है, 6 साल पहले 4 साल बाद 10 साल का डिफरेंस। अनुपात का डिफरेंस 5 था, जहां पे आयु निकालनी है, जैसे हम 6 साल पहले वाली निकाले हैं, आप चाहते तो इसको भी निकालते, लेकिन आपको 4 आपको घटाना पड़ता, आप इसको भी करके चल सकते थे, 10 × 10 बटा आप जो है यहां पर 5 करते तो आपका 105 मतलब 20 हो जाता, 20 में से 4 घटाते तब भी 16 आपके सामने आ जाता। तो कहने का मतलब आप चाहे पहले का निकाल करके आप जोड़ दीजिए 6, चाहे बाद का निकाल करके 4 घटा दीजिए, आपके ऊपर डिपेंडेंट था, आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। आशा करता हूं चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी जो हम आपको यहां पर अनुपात से रिलेटेड बता रहे। एक और इसी में चीज हम आपको बताएंगे, उसको भी आप लोग कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी इस प्रकार का प्रश्न भी आपके यहां पूछा जाता है, यहां पर हमसे कहा गया कि एक व्यक्ति अरुण है और एक भूषण है और एक और अनिल भी है। हमसे कहा गया अरुण जो है भूषण से जितना छोटा है, अरुण भूषण से जितना छोटा है, मतलब भूषण से अरुण छोटा है, उतना ही अनिल से वह बड़ा है। जितना अरुण जो है भूषण से छोटा है उतना ही अनिल से वह बड़ा है। जैसे कभी आप 3 लोग हो जाइए और 3 लोगों में ऐसे को डिसाइड करिए, हम जितना इनसे बड़े छोटे हैं उतना ही इनसे बड़े हैं, यह होता है। जैसे अगर कोई 15 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, तो 15 वाला क्या कहेगा? जितना हम 20 वाले से छोटे हैं उतना ही 10 वाले से बड़े, यह प्रक्रिया बनती है, हम एकदम मिड में। ऐसी स्थिति में हमसे भूषण और अनिल की आयु का योग दिया है 58 साल, हमसे अरुण की उम्र पूछ रहा है। मान लीजिए जो अरुण है, ध्यान देना सब लोग, अरुण जो है अगर वह यक्ष है, भूषण जो है हम इसको समझा रहे हैं अभी आपको वाई है, और अनिल जो है वह जड़ है, अनिल वह जड़ है। अभी हमको इस तरह से करना नहीं, केवल समझने के लिए मैं इस प्रक्रिया को आपको बता रहा हूं। आपसे अरुण की उम्र पूछा है, अरुण मतलब आपको यक्ष का मान ज्ञात करना है, यक्ष का मान ज्ञात करना है। पहली चीज मुझे बताइए, अरुण भूषण से छोटे थे तो इसका मतलब आप लिखेंगे वाई माइनस एक्स, और अनिल से बड़े थे तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे? यक्ष माइनस जेड। अब x x को एक तरफ कर दीजिए तो 2x हो गया, और y को z की तरफ कर दीजिए तो y प्लस z हो गया। y प्लस z मतलब कौन कौन बताइए? भूषण और अनिल। दिया भी देखिए, भूषण और अनिल की आयु का योग 58 है, तो 58 कर सकते हैं, तो 2x 58 है, तो x बराबर आपका 29 हो गया कि नहीं हो गया?
इसका मतलब जो यक्ष है मतलब अरुण है उसकी उम्र 29 साल हो गई, लेकिन यह भी सोचना काफी लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो मैं ऐसी स्थिति में आपको बता दूं कि अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि एक व्यक्ति जो दोनों से रिलेटेड हो, किसी से छोटा हो और किसी से बड़ा हो, और जिन दोनों से रिलेटेड है अगर उनकी आयु का योग दिया है, तो उस बीच वाले व्यक्ति की उम्र निकालने के लिए बस तुरंत इसका आधा कर दिया करिए, बस 58 को 2 से भाग दे दीजिए तो यह आपका 29 वर्ष हो जाएगा। बस समझने की करने की बस रिक्वायरमेंट थी, उत्तर तो तुरंत बता सकते हैं, 29 साल करेक्ट आंसर होगा, 29 साल करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति दो लोगों से रिलेटेड होता है, किसी से छोटा किसी से बड़ा, खुद बीच में हो जाता है, उस बीच का मान निकालने के लिए जो दोनों किनारे किनारे पर हैं, अगर उनकी आयु का योग दिया है दोनों को जोड़िए, जुड़ा तो ऑलरेडी है, 2 से केवल भाग दीजिए, उत्तर आपके सामने। यही पर एक प्रश्न और है जिससे कि आप अपने इस कमांड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेम प्रश्न है, राजेश राकेश राजेश से जितना छोटा है उतना ही वह मुकेश से बड़ा है। यदि राजेश तथा मुकेश की उम्र 48 साल है तो राकेश की उम्र ऑटोमेटिकली आप 48 को 2 से भाग देंगे तो आप कह सकते हैं कि 24 साल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ऐसे प्रश्नों को आंख बंद करके उत्तर दीजिए, 24 साल इस प्रश्न का उत्तर होगा। करेक्ट है, बातें समझ में आ रही। तो इस तरह से हमने यहां पर एक पहलू आपकी आयु संबंध से संबंधित आपके सामने प्रेजेंट करी। आशा ये करेंगे कि अभी और कुछ हम टर्म और कुछ अच्छे प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे बीच बीच में, क्योंकि कनेक्टिविटी थोड़ी सी बनानी है, इसलिए हम लोग बीच बीच में चीजों को लेकर कंटिन्यू रहेंगे। सभी एसआई के अभ्यर्थी जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उन सबसे यही अनुरोध करूंगा, अच्छी तरह से मेहनत करके ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए, लगन के साथ पढ़ते रहिए, सफलता आपको मिलेगी, यह हमारा दावा है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अप्रोच में, फिर किसी सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।